दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका टुडेज ब्रेकिंग न्यूज के आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों देश दुनिया की राज्यों की तमाम 25 बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे समाचार वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लें, और अगर अभी तक आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो बनवा लें, क्योंकि ई श्रम कार्ड धारकों को मिलने वाले हैं उनके बैंक खाते में 3,000 रुपए। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त का 4,000 रुपए तो मिलेगा, साथ में खाद के लिए 5,000 रुपए भी दिए जाएंगे। तो क्या है ये खबर, एक एक करके विस्तार से बताएंगे और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर डालेंगे एक नजर। इसके साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ये समाचार वीडियो। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट, राशन कार्ड में बिल्कुल न करें गलती, नजरअंदाज न करें इस बात को, राशन कार्ड में राशन मिलना हो जाएगा बंद, फटाफट करें आज ये काम, बचे हैं केवल 7 दिन। दोस्तों राशन कार्ड लोगों के लिए बहुत अहम है, लोगों को राशन कार्ड पर मुफ्त राशन दिया जाता है, समय समय पर सरकार नई सूची अपडेट करती है, लेकिन अगर आपके राशन कार्ड में गड़बड़ी पाई जाती है तो बता दें कि राज्य सरकार की ओर से आपको ये पैसे अनाज नहीं दिए जाएंगे, रद्द हो सकता है आपका राशन कार्ड। आपने इस महीने कितना राशन लिया, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, ऐसी जानकारी आपके राशन कार्ड में मौजूद होनी चाहिए। नियम के अनुसार जन वितरण प्रणाली पर आपको अनाज तभी मिलेगा जब आपके नाम पर राशन कार्ड होगा, और ऐसी भी कई चीजें होती हैं जिसमें आपके राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाता है अगर आपने 6 महीने से राशन नहीं लिया है। तो सस्ते दर पर राशन की जरूरत आपको नहीं है या आप नहीं ले रहे हैं तो आपका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखें, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबसे पहले आप राज्य सेंट्रल पोर्टल पर जाएं और राशन कार्ड सुधार विकल्प को खोजें, राशन कार्ड सुधार पेज पर जाएं, राशन नंबर खोजने के लिए फॉर्म भरें और जितनी भी गलतियां है उसे सुधार ले, वरना आपके राशन कार्ड को कर दिया जाएगा निरस्त। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। साथ ही अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो दूसरी किश्त का पैसा कब होगा आपके बैंक में ट्रांसफर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर कर दी इसकी बड़ी घोषणा। सरकार आपको आर्थिक मदद देती है, इस आर्थिक मदद में आपको आपके बैंक में जाना है अपनी पासबुक लेकर और वहां पर पासबुक को अपडेट कराना है आपके पते के साथ, इसी के साथ आपको अपना EKYC भी कराना है। दोस्तों देश में गरीबी रेखा के नीचे काम कर रहे जितने भी मजदूर लोग हैं उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, लेकिन आपको बता दें कि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि अगर अभी तक आपने अपना पता अपडेट नहीं कराया है, आपने EKYC नहीं कराया है, क्योंकि अब आपके ई श्रम कार्ड के ऊपर EKYC जरूरी कर दिया है, मान्य कर दिया है। अगर आप ये खाते में पैसा लेना चाहते हैं तो आपको बैंक जाना होगा, अपना EKYC करवाना होगा और साथ ही आपको अपना आधार कार्ड में और पैन कार्ड में और ई श्रम कार्ड में पता भी आपको अपडेट कराना होगा। तो UP ई श्रम कार्ड भत्ता आपको कैसे मिलेगा की पूरी जानकारी हम आपको एक एक करके बताएंगे। दोस्तों बता दें कि ई श्रम कार्ड का जो फायदा है वो दूध में कारोबार कर रहे किसानों को, कृषि मजदूर को, सब्जी फल विक्रेता को, प्रवासी मजदूर, ईंट भट्टा मजदूर, मछुआरों को और लेबरों को, बढ़ई को, चर्म उद्योग में काम करने वाले लोगों को, घरेलू मजदूरों को, नाई, अखबार बेचने वालों को, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, घर की नौकरानी, सड़क विक्रेताओं, मनरेगा के कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। तो दोस्तों बता दें कि इसमें आपको 2,00,000 रुपए की दुर्घटना बीमा राशि भी सरकार की ओर से दी जाती है और 1,000 की राशि प्रत्येक महीने आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। तो UP ई श्रम कार्ड योजना के तहत आपको ये सारे लाभ मिलते हैं। इस योजना के अंतर्गत भविष्य में सरकार की ओर से आपको पेंशन भी दी जाती है। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है, उम्र 16 से 59 साल के बीच होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और बैंक खाता संख्या लेकर आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपने मोबाइल में आपको मैसेज चेक करना होगा कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया है, इसके लिए आपका बैंक में आपका फोन नंबर जरूर लिखा होना चाहिए। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको नाम, पता, पते का विवरण, शैक्षिक क्वालिफिकेशन, अपनी कौशल विवरण, पारिवारिक विवरण, आधार नंबर, आधार कार्ड, आधार से जुड़ा वैध मोबाइल नंबर और IFSC कोड भी देना होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक और अपडेट। इलेक्शन रिजल्ट 2022, मतगणना के दौरान कहीं भी उपद्रव मचाने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश, धारा 144 लागू, नतीजों से पहले चुनावी राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में 1 दिन का वक्त बचा है, ऐसे में हलचल तेज है, स्ट्रांग रूम के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है, पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर कोई कमी नहीं रख रही है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में 1 दिन बचा है, ऐसे में हलचल तेज है। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को होने वाली मतगणना के अनुसार 70,000
4000 सैनिकों की तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री की 245 कंपनियां, पीएससी की 69 कंपनियों को तैनात किया गया है। बता दें कि माहौल बिगड़ने के कोशिश के दौरान सुरक्षा नियमों के तहत संवेदनशील तैनाती लगाई गई है। साथ ही ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरह की उपद्रव करता है तो सीधे उसे गोली मार दी जाए। उत्तराखंड में कल नतीजों का ऐलान किया जाएगा। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे ने कहा कि हरिद्वार में 3 स्तरीय सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। जिले में 11 विधानसभा सीटें हैं। सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू है। बताया जा रहा है कि कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। वोटर हेल्पलाइन ऐप पर निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलती रहेगी और नए अपडेट आते रहेंगे। तो दोस्तों, आपके अनुसार यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी गैस सिलेंडर धारक हैं तो गैस सिलेंडर धारकों के लिए बड़ी खबर, एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हुए। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि 500 रुपए की छूट के साथ अब आपको मिलेगा गैस सिलेंडर। तो गैस सिलेंडर की इस बड़ी अपडेट को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। जनवरी माह में ऑयल कंपनी ने गैस सिलेंडर की कीमतों में 102 रुपए की कटौती की थी, लेकिन आपको बता दें कि फरवरी और मार्च में अब आपको गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की छूट दी जा रही है। 7 मार्च के बाद लेकिन कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर महंगा हो सकता है, लेकिन दोस्तों अभी ऐसा कोई नियम या किसी को जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें कि आपको 634 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाला है। अगर आप भी गैस सिलेंडर धारक हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी। साथ ही आपके गैस सिलेंडर पर दाम कैसे कम किए जाएंगे इसकी पूरी जानकारी और कैसे आप चेक करेंगे नए दाम की लिस्ट, ये भी हम आपको पूरी जानकारी इसी समाचार वीडियो में एंड में बताएंगे। तो बने रहिए शुरू से लेकर आखिर तक। दोस्तों, बिल्कुल बिना काटे भगाए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपको भी गैस सिलेंडर धारक इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जेब का जो खर्चा है वो बच जाए। इसके लिए हम आपको पूरी जानकारी एक एक करके विस्तार से देंगे इसी समाचार वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। इसके साथ ही गरीब भाइयों बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है सामने। अगर आप भी 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं अनपढ़ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए इन 7 विभागों में बम्पर नौकरी निकल कर सामने आ रही है। बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू, सीधे मेरिट के आधार पर होगा आपका सिलेक्शन। तो मेरिट के आधार पर इन 7 विभागों में अलग अलग पदों पर आपकी नियुक्ति, आपकी बहाली की जाएगी, वो भी बिना परीक्षा, बिना किसी इंटरव्यू के, मेरिट के आधार पर। तो दोस्तों, परेशान ना हो, दिक्कत परेशानी कोई नहीं होगी। अब आपके लिए नौकरी मिलेगी आपको सरकारी, तो आपको नौकरी अब बिल्कुल मिलेगी। सरकारी नौकरी पाने के लिए दोस्तों इस समाचार वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों वीडियो में लिखें कि आपके पास नौकरी है या नहीं, आप ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, किस किस विभाग में आप नौकरी पाना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर इसकी जानकारी दे सकते हैं।